और आजकल के ज़माना में सभी नेट से बहुत जुड़े हुए रहते हैं, तो इसलिए मतलब योगा करने से थोड़ा मन भी शांत होती है, तो योगा करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल के न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं सोकर जग गई हूँ। जगने के बाद मेरा पहला काम होता है बेड ठीक करना, जो कि मैं कर ली हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसके बाद मैं नींबू पानी पीऊँगी। नींबू पानी सुबह के टाइम में पीने में बहुत ही फायदेमंद होता है, आप लोग भी इसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। कंप्लीट हो गई है, इसके बाद मैं घर का काम करूंगी, जिसमें किचन का काम होता है, घर का काम होता है। चलिए देखते हैं आगे। आप लोग भी अपने डेली लाइफ में योगा को ऐड कर सकते हैं, ये सुबह के टाइम में करने से बहुत ही फायदेमंद है, ये तो सभी को पता है। और आजकल के ज़माना में सभी नेट से बहुत जुड़े हुए रहते हैं, तो इसलिए मतलब योगा करने से थोड़ा मन भी शांत होती है, तो योगा करना चाहिए। मेरे घर की सभी काम हो चुकी है, किचन का भी काम हो गया है। अभी तरबूज की कटिंग चल रही है, जो मेरे हस्बैंड काट रहे हैं। ये 2 टुकड़ा में काट देंगे, इसके बाद मैं काट लूँगी, क्योंकि ये मुझसे नहीं कटता रहता है। आज मैं सुबह के नाश्ते में ये तरबूज और मैंगो का शेक बना रही हूँ, क्योंकि आजकल तरबूज का भी सीज़न है और आम का भी सीज़न है, तो ये सीजनल फल है, खाना भी चाहिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। आज का मैंगो शेक बहुत ही टेस्टी बना था। फाइनली हम लोग की नाश्ता हो चुकी है और मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं ऑफिस के लिए, तो अभी ऑफिस के लिए निकलेंगे और मिलती हूँ शाम में। ओके बाय, अभी के लिए रोज की तरह हमारी रात की डिनर बन चुकी है, जिसमें मैं डेली चावल बनाती हूँ, लेकिन मैं आज चावल नहीं बनाई हूँ, तो चलिए देखते हैं आज डिनर में क्या बना है। पराठा और ये आलू की सूखी वाली सब्जी। पराठा भुजिया खाने के बाद मैं ये आम खाऊंगी, मुझे आम बहुत पसंद है। फाइनली हम लोग की रात की डिनर हो चुकी है, अब मेरी काम है वीडियो एडिटिंग करना। मैं इस चैनल का भी वीडियो एडिट करूंगी और मेरी एक और चैनल है सुचिता मैथिली किचन, तो मैं उसका भी वीडियो एडिट करूंगी। उस चैनल पे मैं आज नेनुआ की मसालेदार सब्जी की रेसिपी डाली हूँ, जिससे मिथिला में नेनुआ की झबुआ भी बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था हम लोग को, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा। और मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली में भी शेयर कीजिए। ओके बाय, गुड नाइट।